लाइफ बहुत ही बिजी चल रही है और हेल्थ के लिए हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर इस मोमेंट में अगर हमारे हेल्थ के लिए टाइम मिल जाए तो हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाएगा और जो हमारे दिन भर की प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा दिन भर का काम है, वो ज्यादा एनर्जी के साथ होगा। लेकिन उसके लिए घंटों घंटों तक जिम जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ देना है 25 मिनट और आप देखेंगे आपका हेल्थ वाला कंसर्न सॉल्व हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेज करना और अपनी हेल्थ को कैसे हेल्दी बनाए रखें, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। 25 मिनट रोजाना आपको देना है और आप देखेंगे आपका हेल्थ वाला कंसर्न ये 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इन 25 मिनटों में हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जॉगिंग या थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। सुबह या शाम आपके शेड्यूल के हिसाब से जब भी आपको टाइम मिले, आप जॉगिंग के लिए या फास्ट वॉकिंग के लिए आप कोशिश करें। इससे क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा और हार्ट के साथ साथ जो आपका वजन है वो कम करते करते आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा। 25 मिनटों में दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, तो वो है योग या प्राणायाम। योगा में अलग अलग योगासंस है, प्राणायाम है, ये आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी शांत करता है। आप देखेंगे सिर्फ 25 मिनट्स आप योगासन ट्राई करके देखिए, आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति है, आप देखेंगे बेहतर हो जाएगी। क्योंकि प्राणायाम और योगा के टाइम जो श्वासोश्वास हम करते हैं उससे हमारी बॉडी जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तीसरा, आप 25 मिनटों में घंटों तक आप जिम ना जाएं, लेकिन कुछ सिंपल वेट लिफ्टिंग वाली चीजें आप कर सकते हैं, जिससे आपके मसल्स और आपके बोन्स जो है वो हेल्दी हो जाएंगे। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप डंबल्स घर पे भी लाकर कर सकते हैं या फिर अपने सेल्फ वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज जो आप इन 25 मिनटों में कर सकते हैं वो है आपकी हॉबी या डांस। अगर आपको डांस पसंद है या वैसे ही कोई हॉबी अगर आपको पसंद है, तो 25 मिनट के सेशन में आप देखेंगे आपका स्ट्रेस तो दूर होगा ही होगा, प्लस आपका जो मूड है वो बेटर हो जाएगा। उस दिन को आगे बढ़ाने का जो एक जज्बा हमें चाहिए वो हमें वहां मिल जाएगा। पांचवी चीज जो आप कर सकते हैं वो है साइकिलिंग। अगर आपके पास साइकिल है तो 25 मिनट के लिए साइकिल चलाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपका कार्डियो हेल्थ बेटर होगा प्लस आपका वजन भी कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 25 मिनट के मैंने 4 या 5 अलग अलग चीजें यहाँ पर बता दी है, अब उन सबको अगर हम करने जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन ये हमें रोजाना नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इनमें से कोई भी 1 या 2 हैबिट या 3 हैबिट आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप फास्ट वॉकिंग, साइकिलिंग और योगा, इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 1, वापस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रिपीट करके आप देखेंगे जो हम बोर्डम हो जाते हैं, 3 दिन 4 दिन जिम जाते हैं और फिर हमें लगता है कि बस और नहीं जाना और फिर वो कम्प्लीटली छूट जाता है, तो उसके बजाय आप उसे अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ें करें और देखें आपका जो हेल्थ है वो बेटर हो जाएगा। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप एक दिन एज अ चीट डे आप रख सकते हैं। जी हाँ, चीटिंग करना अलाउड है। 25 मिनटों के लिए एक दिन के लिए आप कुछ ना करें जो मैंने अभी तक बताया है, लेकिन क्योंकि वो टाइम तो आपके सामने आएगा, आपके बॉडी जो है वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है, तो आप जस्ट नॉर्मल वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, आप किताब पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, आप ध्यान कर सकते हैं, स्पिरिचुअल टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप आपके उन 25 मिनटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीट डे क्यों ज़रूरी है, जब भी आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो बीच में एक चीटिंग डे आने की वजह से आप देखेंगे आप फिर से एक बार फोकसली आपके रूटीन पे लग जाते हैं। होता क्या है, जब भी आप आपके हेल्थ को टाइम देते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है। दिन भर में आप जितना भी काम करते हैं आपके वो काम अच्छा आउटपुट लेके आते हैं और आप अपने लाइफ में कंफर्टेबल बन जाते हैं। इसीलिए 25 मिनट
हेल्थ के लिए, और आप देखेंगे बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 25 मिनट दे करके नहीं चलेगा, आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की कोशिश करना है, अच्छा खाना आपको साथ में खाना है, आपकी नींद के ऊपर आप फोकस कीजिए कि जितने घंटों की ज़रूरत है, कम से कम 6-7-8 जितने भी घंटों की ज़रूरत है उतनी नींद आप पूरी करें, और बाकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उनको भी इस्तेमाल करें, जैसे ध्यान, प्राणायाम, ये स्ट्रेस आपका मैनेज करती है, उनका भी इस्तेमाल करते रहना है ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। 25 मिनट निकालना मुश्किल नहीं है, आप 25 मिनट निकाल सकते हैं, वो आपको निकालना है, और जैसे ही आप उसे निकालेंगे आप एक बेटर लाइफ जीना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये 25 मिनट निकालना भी आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आपकी उस डिफिकल्टी को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उसका सोल्यूशन आप तक लेकर के आएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा फ्रेंड या फैमिली मेंबर है जिन्हें हेल्दी बनाने के लिए इस पर्टिकुलर चीज को आप शेयर कर सकते हैं, तो जरूर शेयर करें, ताकि आप मेरी मदद कर सकें उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्हें अपने लाइफ को बेटर बनाने की इच्छा है। अगर अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके साथ जुड़ना हमें बहुत पसंद है। और अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट ऐसा लगता है जो आपके बहुत काम आने वाला है, तो लाइक बटन पर क्लिक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सारी खुशियां देता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।